तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर था वो यहाँ से बैन हो चुका है। तो इस वाले नंबर को मैं आपके सामने लाइव अनबैन करके दिखाने वाला और उसका क्या प्रोसेस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है। तो चलिए यहाँ से मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस करना है वो आप लोग को यहाँ से ध्यान से देख लेना, उसके बाद आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। या फिर आप जी व्हाट्सअप यूज करो या फिर आप व्हाट्सएप मैसेंजर का यूज करो, दोनों ही व्हाट्सएप में जो नंबर होते हैं वो बैन हो गए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वे कुछ भी नहीं करते फिर भी उनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो बैन हो जाता। अगर आपका रियलमी या फिर ओप्पो कोई सा भी मोबाइल फ़ोन है तो सबका जो प्रोसेस है वो सेम ही होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आप लोग को यहाँ से अपना गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से सर्च बार में टाइप करना है व्हाट्सएप सपोर्ट। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप सपोर्ट, तो सबसे ऊपर में आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाती है। तो आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस वाली वेबसाइट के ऊपर में क्लिक कर लेते हो तो ये वाली वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ से मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्हाट्सएप मैसेंजर। तो आप लोगों को यहाँ से व्हाट्सएप मैसेंजर के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से व्हाट्सएप मैसेंजर के ऊपर में क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देख लो आपको इसमें क्या क्या फिल करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको वो वाला मोबाइल नंबर इंटर करना है जो वाला मोबाइल नंबर आपका यहाँ से बैन हो गया। तो सब मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप लोग को नीचे में यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से इंटर करना होगा कि आप कौन से डिवाइस में अपने व्हाट्सएप को यूज कर रहे थे, आप एंड्रॉयड में कर रहे थे या फिर आईफोन में कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, आप लोग को यहाँ से डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है जिससे आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो अनबैन हो जाता है। सिंपली आप लोग को यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो, मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिख लिया। तो आप लोगों को क्या लिखना है वो मैं कमेंट, तो सबसे नीचे में आप लोगों को क्या टाइप करना है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के डाल सकते हो। उसके बाद आप लोग को यहाँ से सवाल भेजे के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से सवाल भेजे के ऊपर में क्लिक कर ले तो आपका जो सवाल है वो यहाँ से भेज दिया जाता है। और आपको यहाँ से 2-3 दिन तक वेट करना होगा। उसके बाद आपने जो जीमेल आईडी दी थी उसमें एक व्हाट्सएप का मैसेज आ जाता है। उसके बाद आपका ये जो नंबर है वो अनबैन हो जाएगा। उसके बाद आप इस व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो।